तो आज भी बनाने जा रही हूँ हरे मटर की दाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये देखिए मैं आधा किलो ये मटर ले रखी है, ये कच्चे मटर है। तो ये देखिए ये 4 से 5 टमाटर है, एक प्याज है बड़े वाले, इसमें एक छोटी सी इंच ये अदरक है, 3 मिर्ची है हरी, आइए 5-6 लहसुन की कलियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले इसे उबालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कढ़ाई में पानी चढ़ा रखी हूँ गैस ऑन करके गर्म होने के लिए। तो ये हल्का हल्का गर्म भी हो गया है। तो इसमें सबसे पहले हल्का सा नमक डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा नमक डाल दे रही हूँ इसमें, इसे चला लेते हैं। तो ये देखिए इसमें मटर डालेंगे, उबालेंगे इसे। नमक इसमें पेस्ट जाता है मटर में तो टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो ये देखिए अब मटर भी डाल दे रही हूँ, सारे मटर को डाल देंगे इसे उबालने के लिए। 4 से 5 मिनट तक उबालेंगे इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये खलबट्टे ले रखे हैं, इसे इसमें कूट लेंगे मसाले को, अदरक लहसुन मिर्ची को। तो इसे टमाटर भी तब तक तैयार कर लेंगे, सारे चीज की तैयारी कर लेंगे मसाले को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आलू ले रखे हैं, उबाला हुआ आलू है, उसी में डालने के लिए दाल में, हरी मटर में। तो चलते हैं मटर को देखने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मटर भी उबल चुका है, गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए इसे पानी इसका निकाल कर ठंडा होने देंगे, इसके बाद मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड करेंगे इसे मिक्सी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है, ये मिक्सर ग्राइंड में मैं डाल लेती हूँ इसमें, ऐसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इसे दरदरा हल्का रहने देंगे, इसमें थोड़ा सा डालने के लिए गोटा सा इसमें थोड़ा सा छोड़ दिए हैं। इसे देख लीजिए, इसमें इसे मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राइंड कर लिए हैं, पीस लिए हैं इसे। तो ये देखिए अब चलते हैं बनाने के लिए गैस की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा रखे हैं, इसमें तेल डाल दे रहे हैं गर्म होने के लिए, 3 से 4 चम्मच तेल डाल दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं जीरा डाल दे रही हूँ 1 छोटी चम्मच से, ये देखिए इसमें 2 तेज पत्ता डाल दे रही हूँ, जो अदरक मिर्ची कर रखे थे लहसुन का इसे डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज डाल दे रही हूँ जो काट कर रखे थे, इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा ये। और टमाटर डालेंगे, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा हींग डाल दे रहे हैं एक चुटकी, इसमें डालेंगे वरना जल जाता है हींग, हींग डालने से स्वाद बढ़ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मटर बचा के रखे थे जो डाल दे रहे हैं, इसे एक मिनट तक भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर डाल दे रही हूँ, इसमें नमक डाल देंगे टमाटर गलने के लिए, स्वाद अनुसार डालेंगे क्योंकि मटर में भी डाल चुके थे नमक गलने। तो ये देखिए स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर गल चुका है, इसमें इसमें हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं 1 चम्मच छोटी वाली चम्मच से। ये देखिए इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे, जितना तीखा खाते उतना ही डालिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा तेल डाल रहे हैं छोटी वाली चम्मच से, आधा चम्मच डालेंगे। इसमें हल्का सा धनिया पाउडर डाल दे रहे हैं 1 चम्मच छोटी वाली चम्मच से, हल्का पानी डाल के चलाएंगे इसे क्योंकि नीचे जले ना लगे ना ये मसाला। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जी मसाला डाल दे रहे हैं 1 चम्मच, इसे मिक्स कर लेते हैं।
हमने आलू जो उबाल कर रखे थे वो डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आलू डाल दे रहे हैं, इसे भी एक मिनट तक भून लेंगे आलू को मसाले के साथ, क्योंकि आलू में मसाले पेस जाएगा। तो ये देखिए इसे भी एक मिनट तक इसे भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो पीस कर रखे थे मटर को इसे डाल दे रहे हैं इसी में, इसे चला लेते हैं, इसे हल्का सा पानी डालकर इसी में डाल लेंगे। तो ये देखिए इसी में ये डाल लिए, मिक्स कर लेते हैं। मटर को तो उबाल ही चुके थे, इसे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे तरीके से एक बार बनाकर देखिए, सब्जी तो बहुत खाए होंगे मटर के, इसे कई जगह पे इसे मटर के निमोने करते हैं। तो ये देखिए इसे एक से दो मिनट इसे आप भून लेते हैं, उसके बाद पानी डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये भुना गया है, एक मिनट हो गया, तो इसमें पानी डाल दे रहे हैं। जितना आपको ग्रेवी रखना दाल को रखना है, गाढ़ा ये पतला उतना ही डालिएगा। तो ये देखिए मैं डाल दी हूँ हल्का सा, इसमें और पानी डालूंगी मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हल्का सा पानी और डाल दे रहे हैं, ये चटपटा दाल हरी मटर की बनके तैयार है। तो ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स हल्का सा गरम मसाला डाल दे रहे हैं एक चम्मच, इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें हरी धनिया डाल दे रहे हैं, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। इसे मिक्स कर लेते हैं, ये बन के रेडी हो गया है। तब इसे बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। इसे आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए या पराठे के साथ खाइए, ये बहुत टेस्टी रहता है हरी मटर की दाल चटपटे। इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बन के रेडी हो गया हरी मटर की दाल चटपटी। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि कैसा बना है। अगली वीडियो फिर लेके आएंगे। ओके बाय, थैंक यू।